मेड इन चाइना वायरस की कुंडली मिल गई। जल्द आ रहा है किलर वायरस के खात्मे का ब्रह्मास्त्र। कातिल कोरोना का होगा पक्का इलाज। कोरोना के एनकाउंटर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना के कोविड-19 वायरस को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। इसकी रोकथाम के लिए रिसर्च में जुटे वैज्ञानिक अब कामयाबी के धीरे धीरे करीब पहुंचते जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। हिंदुस्तान अब उन देशों में शामिल हो चुका है जिसने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। चीन, जापान, थाईलैंड और अमेरिका के बाद हिंदुस्तान ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। कोरोना को आइसोलेट कर लेने का मतलब है इसके वायरस की पूरी कुंडली खंगाल लेना, इसके लक्षण और शरीर पर इसके असर की वजहों की पूरी मैपिंग कर लेना। आसान ढंग से ये समझिए कि कोरोना वायरस को टेस्ट के लिए इंसानी शरीर के सैंपल से अलग करने में भारतीय वैज्ञानिकों को कामयाबी मिल गई है। अब इसे खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो चुका है। अगर ये सफल रहता है तो वायरस से संक्रमित लोगों में एंटीबॉडीज पैदा करने में कामयाबी मिल जाएगी और आने वाले दिनों में कोविड-19 का इन्फेक्शन पूरी तरह खत्म हो सकेगा। एक डेढ़ महीने के अंदर हमको ये भी पता चलेगा कि कौन सी दवा हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। रहा सवाल वैक्सीन का, वैक्सीन डेवलपमेंट ये बहुत लंबा प्रयास होता है, क्योंकि हमने वो वायरस निकालना है, वायरस को समझना है, उसमें के कौन से हिसाब को इस्तेमाल करके हम वैक्सीन तैयार करना है ये सोचना पड़ता है। दुनिया में अभी 20 अलग अलग ग्रुप्स जो हैं साइंटिस्ट के, वो वैक्सीन बना रहे हैं। दरअसल हर दवा की टेस्टिंग के लिए पहले इंसान के शरीर से लिए गए सैंपल से वायरस को निकाल कर आइसोलेट करने की जरूरत होती है, जिसके बाद इसे खत्म करने के लिए दवा विकसित किए जाने का काम शुरू होता है। अब हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को सैंपल से अलग कर लिया है। अब इस वायरस को पूरी तरह खत्म करने के लिए इसकी टेस्टिंग का काम भी आसान हो जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने कुल 21 सैंपल पर रिसर्च शुरू किया था। ये सैंपल गले और नाक से लिए गए थे। इनमें 11 टेस्ट पॉजिटिव आए और इन 11 पॉजिटिव सैंपल्स में से वायरस के 8 स्ट्रैंड को वैज्ञानिकों ने अलग करने में सफलता हासिल कर ली। भारत में मिले कोरोना वायरस की कुंडली चीन के वुहान के वायरस से लगभग पूरी तरह मिलती है। भारत में जांच में मिले कोविड-19 का वायरस 99.98% तक चीन में मिले वायरस जैसा ही है। कोरोना की कुंडली की एक एक बात को अब खंगाला जा रहा है। इससे इसकी हर कमजोरी भी पता लग जाएगी। ये भी पता लग सकता है कि आखिर दुनिया भर में कहर का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस वजूद में कैसे आए। मैंने वैक्सीन के लिए प्रयास करते रहना जरूरी है। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वो 4 में से एक मैन्युफैक्चरर के साथ बात कर रही है कि अगर समझो वो एनिमल स्टडीज निकल गए हैं, अगर वो पॉजिटिव आए कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंसान में भी हम ट्रायल करने के लिए उन लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन के ऊपर कल आने वाली है, मैं डरूंगा नहीं, ऐसे समझ के अगर हम रहना शुरू किए तो ये बीमारी ज़्यादा फैलेगी। सबसे अच्छा क्या है, इसका प्रतिबंध हमारे हाथ में है। किसी भी वायरस के आइसोलेटेड सैंपल से दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब में किए जाने वाले परीक्षण को विट्रो टेस्ट कहते हैं, जबकि चूहे या किसी दूसरे जानवर पर किए जाने वाले टेस्ट को वीवो टेस्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक इस किलर वायरस के एंटीबॉडीज को विकसित करने के लिए हर तरह के टेस्ट में लगातार जुटे हैं।
कोरोना के कुल 6 तरह के वायरस होते हैं। इनमें सार्स और मर्स नाम के 2 वायरस भी शामिल हैं। इन दोनों को छोड़कर 4 ऐसे वायरस हैं जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है। इनमें ही एक नोवेल कोरोना या कोविड-19 के वायरस की पहचान की गई है। ये बिल्कुल नया वायरस है। इससे पहले इंसानों पर इसका असर सामने नहीं आया था। इसकी कोई दवा मौजूद नहीं थी। अब तक सिर्फ सावधानी ही इसका बचाव है। इंडिया ने इतना अच्छा इसको हैंडल कर रहे हैं कि आप अगर नंबर ऑफ पेशेंट आप इंडिया में देखिए वर्सेस ईरान, इवन विद अमेरिका ऑलरेडी देयर वर डेथ्स, बट इंडिया आई थिंक अच्छा इसको हैंडल किया। अपना जो एयरपोर्ट में अपने ऑफिसर्स जो काम किए वो बेहतरीन काम किए, और मेरा ख्याल से इंडिया में स्प्रेड होने का चांस बहुत कम है। भारत ने कोरोना की रोकथाम के लिए शानदार काम किया है। अब बारिश की दवा जल्द से जल्द बनाने की है, जिससे कोरोना के कोविड-19 वायरस का पूरी धरती से नामोनिशान मिटाया जा सके। इसके लिए हिंदुस्तान की तैयारियां काफी तेज है, और किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ सावधान रहना है। देशों में स्पेशली यूरोप में केसेस बढ़े हैं, जहाँ कई देशों में 500 या 1000 से ज्यादा केसेस एकदम हो गए, ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है। कोरोना के किलर वायरस की पूरी कुंडली मिलने के बाद अब इसको पूरी तरह से खत्म करने वाली वैक्सीन तैयार करने का काम आगे बढ़ चुका है। हालांकि इसमें अभी कुछ महीने की देर है, लेकिन खतरा सिर पर पहुंच चुका है। इसलिए सावधान रहिए और डॉक्टरों के बताए निर्देशों का फिलहाल पूरी तरह पालन करें। ऐसा करके हम कोरोना को पूरी तरह हरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या कोरोना की दवा बन गई? अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का दावा, वैक्सीन है तैयार, अप्रैल से होगा ह्यूमन ट्रायल। चीन का दावा, बना ली वैक्सीन, जल्द होगा ट्रायल। कोरोना वायरस को खत्म करने वाली दवा बनाने का इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया दावा। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का कनाडा की एक दवा कंपनी ने भी किया दावा। चीन का दावा है कि कोरोना वायरस का इलाज तलाशने में उसकी कोशिश कामयाब हो चुकी है, और अगले महीने से इस वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो सकता है। जी हां, दावों की भरमार है। दुनिया भर के कई देशों के वैज्ञानिकों ने इस तरह के दावे किए हैं। सबसे पहले बात चीन की। चीन की मिलिट्री मेडिकल साइंस एकेडमी की टीम का दावा है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। महीने भर की मेहनत के बाद इस दवा को तैयार किए जाने की बात कही गई है। इस वैक्सीन को वुहान में तैयार किया गया है, जहां पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मेडिकल विशेषज्ञ शेन वेई की अगुवाई में एक टीम 4 हफ्ते से इसे बनाने में जुटी थी। मेजर जनरल शेन वेई की टीम ने ही कुछ साल पहले सार्स और इबोला की वैक्सीन बनाई थी। चीन अब इस वैक्सीन का ट्रायल करेगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल शुरू होगा। अब बात अमेरिका की। अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने भी मिलकर दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 का संक्रमण खत्म करने वाली दवा बना ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना और इनवोयो ने मिलकर इसे बनाने का दावा किया है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंपीरियल कॉलेज और अमेरिकी दवा कंपनी के वैज्ञानिक इसके ट्रायल की तैयारियों में जुटे हैं। अब तक का सबसे धमाकेदार दावा कनाडा की एक दवा कंपनी ने किया है। इसका नाम है मेडिकेगो। इस बायोटेक फर्म की माने तो उसने कोविड-19 के इन्फेक्शन को खत्म करने वाली दवा विकसित कर ली है, और अगर FDA की मान्यता मिलती है तो वो हर महीने 1 करोड़ तक डोज तैयार कर सकती है। मेडिकेगो का यहाँ तक दावा है कि कोरोना वायरस का जेनेटिक सिक्वेंस मिलने के महज 20 दिनों के भीतर ही उसने इसकी वैक्सीन भी तैयार कर डाली। आप भले ही ये सुनकर चौंक जाएं, लेकिन मेडिकेगो की माने तो अब FDA के अप्रूवल के लिए भी वो आगे कदम बढ़ा रही है।
अगर एफडीए की तरफ से इस दवा पर मुहर लगती है तब भी इसके बाजार में आने में नवंबर 2021 तक का वक्त लग सकता है। लेकिन इसमें भी एक पेच है और वो है इस वैक्सीन को तैयार करने का तरीका। दरअसल कोविड-19 से लड़ने वाली इस वैक्सीन प्रोटीन को बिल्कुल अलग तरह से तैयार किया गया है। कनाडा के बायोटेक फर्म की माने तो इसे एक बायो रिएक्टर में तैयार किया गया है जिसके लिए पौधों का इस्तेमाल किया गया है। कोरोना के कोविड-19 जैसे वायरस को लेकर इस तरह की दवा को मान्यता देने के नियम पर अभी उलझन है। आमतौर पर एंटीवायरस वैक्सीन को विकसित करने के लिए मुर्गी के अंडों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वैक्सीन पौधे से विकसित की गई है, इसलिए नई वैक्सीन को मान्यता देने पर पेच फंसा है। मेडिकेगो के मुताबिक ये बिल्कुल नई तकनीक है, इसलिए इतनी तेजी से कोरोना की वैक्सीन बनाने में उसे कामयाबी मिली। खास बात यह है कि कनाडा की मेडिकेगो नाम की एक कंपनी अमेरिकी सेना के रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ी रही है और इसमें अमेरिकी सेना ने सालों पहले कई मिलियन डॉलर का निवेश भी किया था। अब बात इजराइल की, जहां के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च की तरफ से यह दावा किया गया है। इसके 50 वैज्ञानिक इस वैक्सीन को बनाने पर कई हफ्ते से जुटे थे। इस इंस्टीट्यूट का यहां तक दावा है कि उसने कोविड-19 से बचाव वाले टीके बना लिए हैं, इसे जल्द ही दुनिया भर में मान्यता मिल सकती है। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस खबर पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगाई है। इजराइल की सरकार का कहना है कि उसके वैज्ञानिक वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। खास बात यह है कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद इस रिसर्च की निगरानी कर रहे हैं और उनकी कोशिश कोरोना को खत्म करने वाली दवा को सबसे पहले बाजार में उतारने की है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो वैक्सीन तैयार कर क्लिनिकल ट्रायल के बाद बाजार में उतारने में 1.5 साल तक का वक्त लगता है। तकरीबन 18 महीने का टाइम लगेगा, क्योंकि उसके इंसानों में ट्रायल करना पड़ेगा जब अगर कोई पॉजिटिव आए तो। अब दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर वैक्सीन बनाने के किसके दावों में दम है और कब तक इंसानों के लिए खतरा बन चुकी कोरोना की दवा बाजार में आने का इंतजार खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।